वो नहीं करना। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। अब यह आपने सिंपल सिंपल वन वर्ड में कर दिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखना, ठीक है, इसकी वर्किंग दिखानी है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 की। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। 90 90 का इक्वल कॉम्प्लीमेंट का मतलब 90 का इक्वल, 90 का हाफ लेट, है 45। वो तो ठीक है, लेट द टू इक्वल एंगल्स बी एक्स। देखो करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर क्वेश्चन 1 मार्क है तो 45 डिग्री डायरेक्ट लिख दो, आंसर ठीक है। इफ द क्वेश्चन इज फॉर 2 to 3 मार्क्स, यू नीड टू शो द वर्किंग। इज दिस थिंग क्लियर? तो कैसे स्टार्ट करेंगे? लेट द टू इक्वल एंगल, बिकॉज उसने बोला ना इक्वल होना चाहिए, बोला ना उसने, तो दोनों एंगल इक्वल है 45। नाउ एज वी नो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सम इज, एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री। वो बताएगा सो कैन आई से एक्स उसका कोई प्लस फॉर्मूला एक्स इक्वल टू है। 90? हाँ अंडरस्टूड दिस थिंग? तो यस, 2x दोनों इक्वल को टू रेट ही 90, लेंगे, मतलब दोनों को एक्स लेंगे। दोनों इक्वल है ना। हाँ, अगर अलग एक्स ले होगा। लेंगे तो अलग हो जाएगी ना वैल्यू, तो इक्वल थोड़ी ना होगी। सो एक्स इक्वल्स टू 90 अपॉन 2, एक्स इक्वल्स टू 45 डिग्री, देयरफॉर Therefore, 2 इक्वल 45। एंगल्स, 45 डिग्री इज द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ओके, इज दिस थिंग क्लियर? यस अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 5 मुझे करके दिखाओ, अभी मुझे सेंड करो, इसको कॉपी करो और फिर क्वेश्चन नंबर 5 भी मुझे ऐसे वर्किंग के साथ दिखाओ, सेंड करो।